नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद संदीप में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। बात न्यूज़ ये है कि जो यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो गया था उसकी नई डेट आ गई है, और नई डेट जो उसकी यूपी टेट की जो नई डेट आई है वो है आपकी 26 दिसंबर। कितनी है? 26 दिसंबर ये यूपी टेट की नई डेट आई है। 1 महीने बाद ही फिर से आपका 26 दिसंबर को यूपी टेट होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जो लड़के यूपी टेट का दे रहे हैं वो सीधी सी बात है वो सी टेट का भी, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो लड़के लड़कियाँ होंगे जो सी टेट का भी दे रहे होंगे। तो जो सी टेट की जो डेट है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है कि अगर ये 26 दिसंबर को होता तो सी टेट की जो डेट है वो है 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक है। 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक सी टेट की डेट है और यूपी टेट की 26 दिसंबर की डेट है। लेकिन ये अगर आपका 26 दिसंबर को यूपी टेट है, सी टेट का भी अगर आपका 26 दिसंबर को ही पड़ गया किसी भी स्टूडेंट का पेपर, तो दिक्कत हो सकती है। आप देखो, ये सी टेट का जब एडमिट कार्ड आएंगे तब पता चलेगा इन्होंने 26 दिसंबर के दिन भी अपना एग्जाम रखा है या नहीं रखा है। अगर इन्होंने सी टेट का एग्जाम रखा है और एक ही दिन आपको पड़ गया, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको यूपी टेट का देना है या सी टेट का देना है। अगर आपका 26 दिसंबर को यूपी टेट है, सी टेट का आपका पेपर 26 दिसंबर को नहीं हुआ, वो किसी दूसरी डेट में हुआ, तो ये आपका गुड लक हुआ। अगर एक ही डेट में दोनों हुए तो ये आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा देना है। बाकी आपको फोकस दोनों की तैयारी पर रखना है, ज़्यादा समय ना इसमें बचाए ना इसमें बचाए। ये भी यूपी सरकार ने जल्दी ही इसकी डेट तुरंत ही, जैसे कैंसिल हुआ पेपर लीक हो गया था उसके बाद इसकी जल्द ही डेट दे दी है 26 दिसंबर। तो बस यही जानकारी देनी थी मुझे, जो यूपी टेट जो पेपर कैंसिल हुआ था उसकी नई डेट आई है वो है 26 दिसंबर, और सी टेट की भी 16 दिसंबर से ये चलेंगे 13 जनवरी तक। तो आपको मुझे यही जानकारी देनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही डेली अपडेट पाने के लिए हमारे स्टडी विद संदीप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।